दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स, ईमेल्स आ रहे हैं कि सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो क्या आया है और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या अभी भी हमारे जो बैंक अकाउंट है, क्या हम उससे एक्सचेंज से बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या अब जुलाई के बाद जो हमारे बिटकॉइन है वो हम कैसे बाय सेल करेंगे? काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के इस तरीके के कमेंट्स, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें जो डेट है वो एक हफ्ते की, यानी कि 1 वीक की बढ़ा दी गई है, यानी कि 17 मई को जो है ये अगला जो है वो फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन अभी के लिए जो उम्मीद की जा रही है कि फैसला जो आएगा, यहाँ पर जो एक RBI ने जो स्टेटमेंट दी थी, 3 महीने का टाइम दिया था कि बैंक जो है एक्सचेंज से अपना जो लेन देन है वो 3 महीने तक का टाइम है, वो लेन देन जो है वो समाप्त कर दें और आगे कोई भी लेन देन ना करें। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो RBI ने स्टेटमेंट दी थी और इस तरीके का जो बैन लगाया था, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो है वो हट सकता है। यानी कि पॉजिटिविटी की जो है ज़्यादातर 90% हम बोल सकते हैं, 70-90% पॉजिटिविटी की उम्मीद आ रही है कि ये जो RBI का जो डिसीजन है इसके ऊपर रोक लग सकती है और बिटकॉइन जो है जिस तरीके से हम पहले एक्सचेंज से बाय सेल कर रहे थे, लेन देन जो हमारा चल रहा था सेम उसी तरीके से है लेन देन हमारा चलता रहेगा। और आप इंडियन रुपीज़ से एक्सचेंज के ऊपर लाइक, चाहे आपका ज़ेप्पे हो, यूनोकॉइन हो, कॉइन डेल्टा हो, जो भी अदर एक्सचेंज हैं, आप उसी तरीके से जो है लेन देन कर सकते हैं बिटकॉइन में, बिटकॉइन सोल्ट कॉइन में और INR रुपीज़ से भी, क्योंकि ज़ेप्पे ने जो है लगभग 8-10 करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है ओल्ड कॉइन की भी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप सभी के साथ में शेयर करना चाहेंगे कि बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन की जो पॉजिटिविटी है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वर्ल्ड की, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ जो टॉप में हैं, लाइक ओरेकल जो कि दूसरे नंबर की कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी जो है ब्लॉकचेन बेस्ड जो है अपनी एप्लीकेशन भी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जापान, कनाडा, जर्मनी, ऐसी जो कंट्री हैं जो ऑलरेडी इसको लीगलाइज कर चुकी हैं या रेगुलेट कर चुकी हैं, टैक्स भी उनको जो है वो मिल रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इंडिया में भी हमें इसी तरीके से पॉजिटिविटी मिलेगी और बिटकॉइन को या तो रेगुलेट किया जाएगा या इसको यहाँ पर जो है लीगल भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा काम था इस वीडियो को आप तक पहुँचाना। अब आपका जो काम है इस वीडियो को हर एक इंसान तक आगे पहुंचाना। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप सभी के लिए और लेकर आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ग्लोबल राशिद दिल से आप सभी के सपनों को सपोर्ट करता हूं।